नालछा में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गांधी जी के चित्र पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता बीनू पटेल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। 1885 को एओ हुम द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी और इसका स्थापना लाहौर में कांग्रेस के महाधिवेशन में एओ हुम जो कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उनने की थी। उसके बाद में देश की स्वतंत्रता की कमान आजाद करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में ली। उसके बाद उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और इनकी अगुवाई में कांग्रेस ने अपना आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे इसको पूरे देश में आंदोलन को लागू करवाया। उसके बाद गोखले और दादा भाई नौरोजी के बाद में इसकी जो मेन वो थी वो तीन दो दल कांग्रेस के बने, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सरोज भाई नायडू और ये सब इसका नेतृत्व करते रहे। उधर गरम दल में लाल बाल और पाल जो तीन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद पाल, इन तीनों ने अपने गरम दल की अगुवाई शुरुआत की। उसके बाद में इन्होंने देश को असहयोग आंदोलन के रूप में पहला आंदोलन दिया। 1919 में गांधी जी ने असहयोग, गांधी जी के हाथ में कमान आने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1919 में चालू किया। उसमें किसी भी प्रकार का अंग्रेजों को सहयोग न प्रदान करे भारतीय नागरिक। उसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दूसरा आंदोलन किया और गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों का भारी विरोध किया, जो अंग्रेजों ने तीन गोलमेज सम्मेलन किए। उसके बाद में 1942 में गांधी जी ने देश को आजाद करवाने के लिए एक साथ भारत में आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का अगुवाई गांधी जी ने अपना नमक तोड़ो कानून के द्वारा की। कांग्रेस का स्थापना दिवस था, इस उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता होते हुए कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। आपका नाम? लक्की सेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।